नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद राजधानी से टॉपर्स में खुशी देखी जा सकती है। रिजल्ट के दूसरे दिन भी सफल स्टूडेंट ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान विद्या मंदिर क्लासेस में केक काटकर स्टूडेंट को बधाई दी गई। इस सेंटर से पहली बार नीट एग्जाम की तैयारी करवाई गई, जिसके बाद 212 स्टूडेंट में से 190 स्टूडेंट ने सफलता हासिल की। परीक्षा में 600 से अधिक अंक लाने वाले 25 स्टूडेंट रहे, तो वहीं 550 अंकों से अधिक अंक लाने वाले 63 स्टूडेंट रहे। 500 अंकों से ज़्यादा नंबर लाने वाले 102 स्टूडेंट रहे। नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले चंद्रशेखर अवस्थी ने बताया कि कम समय में भी नीट को क्लियर किया जा सकता है, बशर्ते आप रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई के लिए पूरा समय निकालें, साथ ही बेहतर फैकल्टी टीचिंग मटेरियल भी इसमें मायने रखता है। तैयारी के लिए आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ता है, आपका एम क्लियर होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, इसी के बेस पे डिसाइड होता है आपका रिजल्ट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होता है, बाकी सब इजी गोइंग होता है। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप सब कुछ पता कर सकते हो क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या आप देख सकते हो, थोड़ा अनुमान लगा सकते हो, उसके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। थोड़ा बहुत लक इंपॉर्टेंट करता है आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर, 3 घंटे थोड़ा आपको काम रहना होता है, अगर आप वो कर जाते हो तो ऑब्वियस है आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर पढ़ाई, डेली पढ़ाई और अपने डाउट्स रोज़ के रोज़ बेसिस पे क्लियर करना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ पाएँ तो टीचर से सामने सामने बात करें, क्लास के बाद बात करें, क्लास के बाद पूछे और नियमित पढ़ाई करें। सिटिंग की आदत ज़रूर होनी चाहिए, जैसे बच्चे ने बताया कि कम से कम यू शुड हैव अ सिटिंग ऑफ 4 to 5 hours इन अ डे। उसे ब्रेक करके कर सकते हैं कि 2 घंटे बैठ गए फिर 2 घंटे बैठ गए, तो सिटिंग की आदत डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है अपने को, और डाउट्स को घर नहीं लेके जाना, कोशिश करनी है कि इंस्टीट्यूट में टीचर से जो डाउट आया उसी समय उसी दिन पूछ लिया जाए।